नमस्कार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल शाहरुख के बेटे को आज भी जमानत नहीं मिली है। बुधवार को एनसीबी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसके बाद तय समय अनुसार यानी कि 2:45 पर मामले की जिरह शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई कल होगी। आपको यह भी बता दें कि कल पहले कोर्ट में 5-6 केसेस की सुनवाई होगी, फिर आर्यन का नंबर आएगा। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि कल अगर आर्यन को जमानत नहीं मिलती है तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिर कोर्ट लगभग 4-5 के लिए बंद रह सकती है। ये आर्यन और शाहरुख के पूरे परिवार के लिए बड़ा झटका है। आपको बताते चले, इससे पहले किला कोर्ट में 11 अक्टूबर को आर्यन खान केस में सुनवाई हुई थी। उस वक्त भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। आर्यन के वकील की तरफ से कोर्ट के सामने जो दलील पेश की गई थी उसके मुताबिक आर्यन के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, फिर उनको कस्टडी में क्यों रखा गया है। इसके अलावा आर्यन के ऊपर पहले कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, उनका बैकग्राउंड चेक किया जा सकता है। वो एक 23 के बच्चे हैं जिनको एज अ गेस्ट वहां पर बुलाया गया था। आपको बता दें, सारा डेटा एनसीबी के पास है, ये भी कहा था आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में। सतीश मान शिंदे ने कहा था, इतने दिन में आर्यन से ठीक से पूछताछ भी नहीं की गई है। ये दलीलें पेश करने के बाद सतीश मान शिंदे ने उनकी बेल की मांग की थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। यही तमाम दलीलें सेशंस कोर्ट में दी गई, लेकिन आज भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब कल एक बार फिर से सुनवाई होगी और फैसला कल आएगा कि आर्यन जेल में रहेंगे या फिर उनको बेल मिल जाएगी। आपको बताते चले, आर्यन को 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने क्रूज से पकड़ा था। यहां पर रेव पार्टी चल रही थी, ड्रग्स का सेवन हो रहा था। इसी बीच एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद आर्यन और उनके दो दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, और उसके बाद इनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 14 कर दिया गया था। हालांकि इसी बीच कोर्ट ने 11 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। एक और बड़ा झटका आज आर्यन और उनके पूरे परिवार को लगा है। अब कल का दिन आर्यन खान के लिए, शाहरुख खान के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए बेहद अहम रहने वाला है। देखना होगा आर्यन को राहत मिलती है या नहीं। कोर्ट के फैसले पर और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। We'll be right back.